हल्की फुल्की है, बूंदाबांदी वैसे मौसम पर बारिश का ही है, बिल्कुल बादल हो रखे हैं। कल भी काफ़ी बारिश हुई है। बाइक भी आ गई है बावड़ी के पास से पानी लेके। मैं यहाँ लाया हूँ ये प्लास्टिक का ड्रम 250 लीटर का। तो ये खेत है, इसमें हमने हल लगाया था परसों, तो इसमें हमने शिमला मिर्च लगानी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत घर से कर रहा हूँ, किचन से कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो मेरे मैक्सिमम 3-4 ब्लॉग्स से जो कंटिन्यू मैं खेतों से शुरू कर रहा था, क्योंकि उसका कारण था हमारे सुबह सुबह काम ज़्यादा होता है, जैसे सिंचाई का, खेतों का कुछ भी, तो जल्दी जाके फिर उजाला 10:30 होता, पर हम थोड़ा जल्दी चले जाते थे उस चक्कर में, फिर ब्लॉग में स्टार्ट खेतों से करता था। पर आज जो कर रहा हूँ घर से कर रहा हूँ, क्योंकि आज बारिश हुई। जैसे कल तो हमारे काम कम है, सिंचाई वगैरह का काम नहीं है, फिर जो ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं किचन से कर रहा हूँ। इस टाइम हम उठे अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और वाइफ लगी यहाँ चाय बनाने की तैयारी कर रही है। वाइफ चाय बना रही है और चूल्हे में आग जला ली इसने यहाँ पे, और यहाँ है सुबह की तैयारी, सब्जी बन रही है। अभी ये नहीं मुझे पता क्या बना रहे हैं, पर बना रहे कुछ। क्या बना अभी? तो अभी बन रही है आलू राजमा की सब्जी। चलो हम भी अभी चाय पी लेते, उसके बाद देखते। ऐसे आज सुबह सुबह बाहर में उठा था, पर हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी थी। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर चलेंगे अभी चाय पीने के बाद फिर खेतों में। हल्की फुल्की है बूंदाबांदी वैसे मौसम पर बारिश का ही है, बिल्कुल बादल हो रखे हैं। कल भी काफ़ी बारिश हुई है, तो भगवान ने गर्मी के मौसम में ही बरसात बना रखी है। पर है भी सही वैसे, इससे पहले जब बरसात ठंड का मौसम था उस टाइम बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो बारिश आजकल हो रही है। हम लोगों के लिए तो अच्छा है, खेतों के लिए बारिश हो रही है जो, पर आगे होगी गर्मी। अगर बारिश अभी हो रही तो गर्मी ज़रूर होगी, चाहे लेटी हुई। चलो हम तो चाय पी लेते पहले भी। वाइफ ने यहाँ सब्जी डाल दी है पकने के लिए, पीछे राजमा पक रहे हैं और आगे आलू डाल दिए हैं फ्राई करके। तो फ्रेंड्स हम चल पड़े अपने खेतों की तरफ। है साइड बनाते नहीं ख़राब होनी पोर किया। चलते अपने खेत की तरफ, क्योंकि बारिश आ रही है, उसकी साइड बनाने को रहती है। हमने कल पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको, हल लगाया था छोटे से खेत में, तो उसमें हमने टमाटर लगाने थे, पर बारिश की, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वो ख़राब हो जाएगा। अभी तो है वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, कर लेते उसको कंप्लीट अगर होता है अभी। चलो चलते हैं। यहाँ वाइफ भी जा रही है पानी लाने के लिए बावड़ी के पास से पीने के लिए, और जो मैंने करना है, मैंने इस खेत की साइडें बनानी है शाम को, इसमें हमने हल लगाया है। फिर अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ख़राब हो जाएगा, इसकी अगर साइड बना देंगे ना एक बार तो फिर बारिश बेशक हो जाएगी, पर फिर ख़राब नहीं होगा। तो चलो कर लेते हैं अभी काम थोड़ा सा। वाइफ भी आ गई है बावड़ी के पास से पानी लेके, और जो मैं हूँ, मैं लगा हूँ यहाँ साइड बनाने इसकी। चलो कर लेते हम काम अभी। और तो मैंने इसकी साइडें बना ली है चारों तरफ से, तो अब हमने लगानी इसमें लाइनें। अब जो मैं इस खेत में टक लगा के फ्री हो चुका हूँ, और अब इसमें कुछ इस तरीके से खोरे बोलते हैं हमारे टमाटर के लिए, बना रहा हूँ मैं। तो ये जो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, मिट्टी खोद के रखी होती है, फिर इसमें गोल टाइप बनाते हैं ताकि
जो पौधा लगाया उसकी जड़ें मिट्टी में रहे, नीचे पत्थर सॉफ्ट रहे थोड़ा। कुछ इस तरीके से करते हैं हम। चलो कर लेते भी आगे तक। तो अब टाइम हो रहे है सुबह के 7 बज रहे हैं और अब जाना है हमने घर। हमने आधा खेत कर लिया है तैयार। हमने इतने एरिया में लगा लिए थे इसमें, यहाँ तक बना ली क्यारी, बाकी से आगे टक लगा के रखे हैं। 3-4 लाइनें रहती है, 4-5 लाइनें, तो कर लेंगे शाम तक। तो इसमें हमने लगाने टमाटर। तो चलो अब हो रहा है हमारा टाइम, चलते हैं घर। ये हमारे टमाटर के खेत, बारिश से टमाटर के बूटे एकदम से हरे हो रहे हैं। अब इसको हफ्ता ही हुआ लगाया हुआ, हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा हुआ हुआ, रिग्रोथ कर चुके हैं क्योंकि इसको पानी बढ़िया मिला है। भगवान खुद ही बारिश कर रहा है, हमें सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चलो चल लेते हैं अब घर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30 और मैं आ गया हूँ अपने खेतों में। मैं यहाँ लाया हूँ ये प्लास्टिक का ड्रम 250 लीटर का। तो ये खेत है, इसमें हमने लगाया था परसों, तो इसमें हमने शिमला मिर्च लगानी है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हमने पानी से भर के रख देना है ड्रम को, इस खेत में और निचले खेत में परे इस तरफ को। इस तरफ को तो हमने अरबी और हल्दी लगाई थी और इससे परली तरफ को लगानी हमने शिमला मिर्च। ऊपर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, जो हमारे शिमला मिर्च लगाई है हमने 3-4 खेतों में। तो चलो दिखाता हूँ अभी, यहीं मैं अपने कुदाली वगैरह लेने जा रहा हूँ ऊपर, दिखाता हूँ आपको ऊपर यहीं जैसे हमने लगा रखी है। ये है हमारे खेत जिसमें हमने शिमला मिर्च लगा रखी है। बाकी ऊपर को इससे ऊपर छोटे छोटे खेत दो और एक ऊपर को बड़ा खेत है, उसमें भी हमने शिमला मिर्च लगा रखी है। तो पहले मैं भी सोच रहा था कि पानी का ड्रम भर लेता हूँ, पर फिर बाद में सोचा कि चलो पानी तो कल भी ढोया जा सकता है, पर अभी क्योंकि सुबह हमने इसकी शिमला मिर्च की सिंचाई तो करनी है जो ऊपर को है, पर मैं कहा अभी इसकी जो हमारा खेत जिसमें हमने शिमला मिर्च लगानी है इसकी साइड बना के ये क्यों तैयार क्यों ना कर ली जाए। तो चलो पहले ये काम कर लेते, इसकी साइड बना के इसको तैयार कर लेते जितना भी होता है, जितना टाइम है अभी। चलो कर लेते पहले। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी साइडें बना ली है, खेत की मेड़े बना लिए। अब मैंने इसमें लाइनें लगा के शिमला मिर्च के लिए क्यारियाँ बनानी है। तो चलो कर लेते हैं वो काम अभी, कभी टाइम भी है। कुछ इस तरीके से हमने इसमें लाइनें लगा लेनी है पूरे खेत में, और उसके बाद फिर इसमें लगाने हमने टक शिमला मिर्च के लिए। जो शिमला मिर्च की लाइन होती है ना, थोड़ी साथ साथ लगती है, कम दूरी पे लगती है मतलब। तो शिमला मिर्च के पौधे जो ज़्यादा लगते हैं खेतों में। चलो वैसे हमारे अभी ये इसके बाद केवल एक खेत है नीचे अरबी वाले खेत में जो मैंने दिखाया था आपको, बस उसी में लगानी है हमने शिमला मिर्च। उसके बाद हमारे लगभग शिमला मिर्च और टमाटर लगाने का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जो काम शुरू होना है वो है केवल उसी की केयर का। फिर केयर में बथेरे काम आते हैं इसमें, जैसे इसकी निंदाई गुडाई बहुत काम होते हैं। सब कुछ दिखाऊंगा आपको क्या क्या होता है, तो सारे काम मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करूँगा आपको किस तरीके से हम इनको केयर करनी पड़ती है, उसकी फिर फल मिलता है नहीं मिलता है, कम मिलता है ज़्यादा मिलता है। तब पहुंच गए हम घर खेतों से। यहाँ नक्शु खा रही जी। नक्शु क्या खा रही तू? नक्शु है, नक्शु इधर देख। नक्शु क्या खा रहे आप? क्या दे रहे मम्मा आपको? क्या खा रहे तुम? बिस्किट। तो चिज्जी तुम मेरे से मांग रहे थे भी। नक्शो मेरे को दे। जी जी वही नक्शो मेरे को दे दो।
मेरे को दे दो। अरे इसने मेरे को दे दी। नहीं नहीं खाओ आप, लो खा लो खा लो। नक्शी ले नहीं मेरे पास नहीं है। नहीं 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 मैं बैठी दे ले। खा लो आप लो। लो कंडे स्कूल का काम नहीं थी। तो फ्रेंड्स अब बैठे हम किचन में, तो अभी वाइफ जो गई हो गई है नक्शु को सुलाने। तो आज देख रहे हो आप चूल्हे में आग जली अभी भी, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा ना ठंड का मौसम, गर्मी में वैसी ठंड लग रही है जैसे कि ठंड का मौसम हो। तो चलो अब हमने करना है डिनर। तो आज जो है अपनी वीडियो का एंड यहीं करते फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।